लेक्चर 18 पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन 1, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर अटैच जेंटली टू दी ऑपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रिंग, द व्हील नाउ रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जेंटली अटैच, जेंटली मतलब होता है कि कोई फोर्स और टॉर्क उस पर नहीं एग्जर्ट किया गया, तो अगर टॉर्क नहीं है तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हो। तो पहले आपकी रिंग कुछ इस तरह घूम रही थी, ठीक है, और ये ओमेगा से घूम रही थी। बाद में इसी रिंग में दो मास अटैच कर दिए गए, एक इधर और एक इधर। इनका मास m ईच है, रिंग का मास कैपिटल M है। अब ये कुछ ओमेगा फाइनल से घूम रही होगी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले नो एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। तो आप कह सकते हो L इक्वल टू कॉन्स्टेंट। L क्या होगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। ठीक, I1 क्या है, इनिशियल वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सिंपली रिंग का कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। सेकेंड I2 कितना होगा, I2 होगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास का उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट बिकम्स एम आर स्क्वायर प्लस 2mr2। ये m दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब ये इस इक्वेशन में सिंपली डाल दीजिए, ये mr स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस 2mr2 ओमेगा फाइनल, विच गिव्स ओमेगा फाइनल एज ओमेगा m बॉन m प्लस 2m, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। टू पॉइंट मासेज ऑफ 0.3 kg एंड 0.7 kg आर फिक्स्ड एट एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 1.4 मीटर एंड नेग्लिजिबल मास, ठीक। एक रॉड है जिसका खुद का कोई मास नहीं है, इसके एंड पे इधर 0.3 kg अटैच है और इधर 0.7 kg अटैच है, ठीक है। द रॉड इज सेट रोटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट लेंथ विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, इसकी एंगुलर स्पीड भी दे दी आपको, ठीक है। सपोज करिए आप ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये घूमना शुरू करती है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक। पूरी लेंथ आपको दी हुई है, दैट इज 1.4 मीटर, द पॉइंट ऑन रॉड थ्रू विच एक्सिस शुड पास इन ऑर्डर द वर्क रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ रॉड इज मिनिमम इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस। देखो वर्क रिक्वायर्ड, उसको रोटेट करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है उसको मिनिमम होना है, सो दैट वर्क रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ रॉड इज मिनिमम। कितना वर्क चाहिए होगा उसको उस ओमेगा देने के लिए, ऑब्वियसली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि जीरो है, ठीक है। तो वर्क रिक्वायर्ड इज डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब मान लिया इस वाले एंड से इसकी डिस्टेंस एक्स है, ठीक। तो इस वाले से कितनी हो जाएगी, देखो ये पॉइंट, ये अगर x है तो ये हाफ डिस्टेंस 0.7 होगी, तो दिस इज योर 0.7 माइनस एक्स एंड दिस इज योर 0.7, ठीक है। तो 0.3 kg से x हो गई, 0.7 kg से 1.4 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, I इज इक्वल टू 0.3 इंटू एक्स का स्क्वायर
प्लस 0.7 इंटू 1.4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया आई और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो डेल्टा के ई आपका हो जाएगा, या डब्ल्यू रिक्वायर्ड ही मैं लिख देता हूं इसको, डब्ल्यू रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हाफ 0.3 एक्स स्क्वायर प्लस 0.7 1.4 माइनस एक्स का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है डब्ल्यू रिक्वायर्ड को मिनिमाइज करना है, तो क्या करोगे, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये कर दो आप, इसका मतलब हो जाएगा 0.6 एक्स प्लस 1.4 जीरो टू इंटू 0.7 हो गया 1.4 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये देख लो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली आपको पूछ रहा है कि उसको ओमेगा से रोटेट कर सेट करने के लिए जितनी वर्क डन है उसको मिनिमाइज करना है, और वो एक्स का फंक्शन आ रहा है, तो बेसिकली आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना होगा, एंड दैट विल कम आउट एज योर आंसर, ठीक है। ये वाले टर्म कॉन्स्टेंट है, ओमेगा ये कॉन्स्टेंट है। अ मास एम इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अवे फ्रॉम ओरिजिन, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखिए ध्यान से, कह रहा है ये ओरिजिन है, अ मास एम इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहा है, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सपोज करो ये v से जा रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट होगी, राइट, ये जो डिस्टेंस है इसको r बोल दें हम, ठीक, ये तो कॉन्स्टेंट होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू, अगर इसका मास m मान ले तो ये हो जाएगा एम आर वी, ठीक है, तो क्योंकि r कॉन्स्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम भी कॉन्स्टेंट होगा, सिंस r इज कॉन्स्टेंट देयर फोर एल इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी होगी, एम आर वी, ठीक है। A disk of mass m and radius r is rolling with angular speed omega on horizontal plane as shown in figure. The magnitude of angular momentum of disk about origin. ठीक है? अच्छा, ये दिया है कि disk है जो कि rolling with angular speed omega है. तो VCM इसका निकालो पहले. What is VCM? VCM will be r omega. क्योंकि rolling है, दिया हुआ है, roll कर रही है आपकी. तो VCM r omega हमारा पहला relation हो गया. ठीक है, अब रोलिंग के केस में आपको पता है एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता था, एम आर वी सी एम प्लस आई ओमेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो यही आता है, डायरेक्शन क्या होगी, अंदर के साइड, दोनों की क्लॉकवाइज आ जाएगी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, एम आर आर ओमेगा प्लस, क्योंकि ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम आर स्क्वायर बाई टू टाइम्स ओमेगा, तो दिस इज 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी
On a horizontal smooth plane as shown in figure, it hits a ridge at point O. Point A पे एक ridge है, ठीक है? इसको hit करता है और उसके बाद ये topple करेगा या rotate करेगा. The angular speed of block after it hits O. देखो क्या होगा जब जैसे ये यहाँ पर आके hit करेगा इसे, कुछ इस type से, तो वैसे ही यहाँ से reaction होगा. यहाँ से forces लगेंगे, एक इस direction में लगेगा, एक इस direction में लगेगा. बट दोनों ही ओ से पास हो रहे होंगे, दोनों ही फोर्सेस, तो उनका नॉट नेट नेट टॉर्क जो होगा ओ के अबाउट जीरो होगा. तो दैट इज नेट टॉर्क ऑफ एन एक्स एंड एन वाई अबाउट ओ इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, जो जमीन से एन बाकी नॉर्मल और एमजी था वो तो रहेगा ही, ठीक है, दैट विल बी देयर, एन और एमजी तो रहेगा ही. Also, n is equal to mg. Therefore, net torque about O is equal to zero. So, therefore, L equal to constant about O. ठीक है, मतलब एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा O के अबाउट. तो बस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप लिख लो m. ये a है तो दिस इज a बाई टू, एम ए बाई टू वी, ये इनिशियल हो गया. फाइनल कितना होगा, i लिखना है इसका. अब i लिखने का देखो, ये क्यूबॉइड है जिसकी साइड a है, तो ये वाली एक्सिस होगी जो इसके अंदर जा रही होगी ऐसे सेंटर से, तो इसके अबाउट तो हमें पता है i कितना होगा, एम ए स्क्वायर बाई सिक्स. अब हमें इसके अबाउट निकालना होगा, जो एंड से जा रही है वो यहीं पर था, देखो इससे पास करेगा, ठीक है, इस एक्सिस का. तो ये आप पैरेलल एक्सिस से निकाल सकते हो, दिस इज आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई सिक्स प्लस एम एंड दिस डिस्टेंस, दिस इज ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम ए स्क्वायर बाई सिक्स प्लस एम ए बाई रूट टू का स्क्वायर आई टाइम्स ओमेगा. ये इस इक्वेशन से फाइंड, यू कैन फाइंड ओमेगा. ठीक है, तो बेसिकली ओ के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो, तो बेसिकली इस ब्लॉक का आई निकालो इस ओ के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, एंड देन यू फाइंड एट ओमेगा. ठीक है, A long horizontal rod has a bead which can slide among its length and initially placed at a distance L from one end of rod. ठीक है, rod के एक end से L के distance पे एक bead है. ठीक है, the rod is set in angular motion about A with constant angular acceleration alpha. तो alpha को आपको constant दे दिया है. If the coefficient of friction between the rod and the bead is mu, the gravity is neglected, then the time after which the bead starts slipping. कितने time के बाद इतनी omega हो जाए कि ये इस पे slip करने लगे. तो सबसे पहले इसकी FBD बना लो bead की. ठीक है, हमने observer बैठा दिया इसके अंदर. ठीक, तो माना कि इस समय रॉड जब घूम रहा था, अल्फा और ओमेगा उसके रिस्पेक्टिवली दोनों चीज थे. ठीक है, तो सूडो को दो कंपोनेंट होंगे, हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में. एक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल होगा, एक टेंजेंशियल होगा. तो आर अल्फा सूडो टेंजेंशियल है, ये सूडो टेंजेंशियल. ठीक है, और एम आर अल्फा यू कैन से, और ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर सूडो सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है, अब इसको बैलेंस करने वाली क्या चीजें हैं, एक तो इसका नॉर्मल रिएक्शन हो रहा होगा यहां से एन, और दूसरा इसको फ्रिक्शन एफ आर लग रहा होगा. ठीक है,
तो बेसिकली ये बीट तो स्टेबल है इसमें, इस डायरेक्शन में, तो एन की वैल्यू तो एम आर अल्फा हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्टार्ट स्लिपिंग तब होगा जब एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फ्रिक्शन से मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। इट विल स्टार्ट टू स्लिप व्हेन एम आर ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर मैक्स, एंड एफ आर मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू एन, ठीक है। एम आर ओमेगा स्क्वायर शुड इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम आर अल्फा, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली आपका ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू अल्फा, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू होती है, हमें क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ओमेगा की वैल्यू अल्फा टी हो जाएगी, तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन, सॉरी अल्फा नहीं, टाइम हमें निकालना है, टी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू अपॉन अल्फा, तो टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू बाई अल्फा, तो दिस इज योर आंसर ए पार्ट। इसके बाद ये स्लिप करने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये था कि आपको दोनों फोर्सेस बनाने हैं, जो एफ बी डी कायदे से बनाइए, एक इसका सेंट्रीफ्यूगल, अगर आर अल्फा का डायरेक्शन ये है तो इसका सूडो किधर लगेगा, पीछे नीचे की तरफ, इधर पीछे की तरफ, और एक इसका सेंट्रीफ्यूगल होगा जो आउटवर्ड लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड एल रेस्ट्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंटली हाई सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड बिफोर टॉपलिंग। ध्यान से देखिए, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड बिफोर टॉपलिंग मतलब पहले टॉपलिंग होगा। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक, तो टॉपल वाले कंडीशन में क्या होता था कि नॉर्मल रिएक्शन एक तरफ चला जाता था, एक एक्सट्रीम पे। अगर आपको याद ना हो तो फिर से लेक्चर वाला नोट्स देख लो, चाहे लेक्चर ही दोबारा देख लो। तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये एम जी हो गया आपका। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम बैलेंस करेंगे तो दिस इज ए बाई टू, दिस ऑल्सो इज ए बाई टू। एफ का हमें मिनिमम निकालना है, तो ऑब्वियसली एफ सबसे ऊपर लग रहा होगा। एफ का मिनिमम हमें कब चाहिए होगा टॉपल करने के लिए, जब सब एफ सबसे ऊपर लगेगा, ठीक है। एफ विल एक्ट एट द टॉप फॉर मिनिमम कंडीशन, ठीक है। तो बेसिकली एफ ए बाई टू इज इक्वल टू एन ए बाई टू, और n की वैल्यू तो mg है, तो f a by 2 इज इक्वल टू n mg by, सॉरी mg a by 2, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सफिशियंटली हाई सो दैट द, अच्छा फ्रिक्शन भी है एक, तो फ्रिक्शन को लेना पड़ेगा, ये आपका fr लग रहा होगा, ठीक है। तो एफ ए बाई टू के साथ साथ एफ आर का भी इक्वेशन आएगा, एफ आर ए बाई टू, ठीक है। एफ का फोर्स क्लॉकवाइज आएगा, एफ आर का भी फोर्स क्लॉकवाइज आएगा, तो एफ आर ए बाई टू प्लस एफ ए बाई टू इज इक्वल टू एम जी ए बाई टू, ठीक है। अच्छा, इसमें ये ए नहीं है, एल है, इस चीज को फिर से मैं करेक्ट कर देता हूँ इक्वेशन।
अच्छा, इसको दो एक अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एफ इंटू एल बाई टू प्लस एफ आर इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एन इंटू एल बाई टू, यही हुआ। अब इसमें से एन की वैल्यू एम जी रख देंगे हम लोग, दैट इज सेकेंड थिंग, ठीक है। तो मतलब हमारा इक्वेशन बन जाएगा एफ प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम जी, और क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, नॉट स्लाइडिंग, देयरफॉर एफ की वैल्यू इज इक्वल टू एफ आर हो जाएगी। तो ये चीज इसमें डाल दो, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी एम जी बाई टू, ठीक है। तो आंसर में है ऑप्शन, ठीक है। तो कम से कम इतना फोर्स चाहिए कि ये टॉपल कर जाएगा जब एफ ऊपर लग रहा होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप विद सेंटर एट ओ एज शोन इन फिगर। इसको इसके अबाउट ऐसे बेंड कर दिया गया वायर को। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लूप अबाउट एक्स एक्स प्राइम, तो सबसे पहले आप इसके अबाउट निकाल लो, ठीक है। आई वन, आई वन क्या होगा, आई वन विल बी एम आर स्क्वायर बाई टू, तो आई एक्स एक्स क्या होगा, आई वन प्लस एम आर स्क्वायर, तो थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर इज द आंसर। तो कहानी इसमें क्या है, कहानी इसमें है कि एम निकालना है बेसिकली आपको, ठीक है। अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल इन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो, तो मास क्या है बेसिकली, मास इज नथिंग बट लीनियर मास डेंसिटी है, तो रो एल इज द मास। तो आई एक्स एक्स प्राइम कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू रो एल आर स्क्वायर। सो ये पाई का टर्म इनका कहां से आ रहा है। देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब हमने निकाला तो दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू, रिंग का यही होता है, अगर इसका मास एम है रेडियस आर है तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, प्लस इसमें आर एम आर स्क्वायर जोड़ दिया हमने, तो आई एक्स एक्स प्राइम इज थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मास की वैल्यू रोल डाल दी हमने, आई डोंट नो, प्लीज इसको चेक करिए, आई थिंक बड़े अजीब से ऑप्शन दिख रहे हैं, पाई स्क्वायर पाई, रो का टर्म है, चलो रो का टर्म है, ठीक है। आई थिंक इसमें ये रेडियस नहीं दिया है, ओके ये रेडियस हमें नहीं दिया हुआ है, ओके तो रेडियस निकालने का, तो टू पाई आर रेडियस इज इक्वल टू एल होगा, तो बेसिकली हम लोग आर को लिख देंगे एल अपॉन टू पाई, ठीक है। तो ये भी डालना पड़ेगा इसमें, तो आई एक्स एक्स प्राइम हो जाएगा थ्री बाई टू रो एल एल अपॉन टू पाई का स्क्वायर, तो ये कितना बच जाएगा आंसर, थ्री अपॉन एट रो एल क्यूब, एल का क्यूब हो जाएगा, पाई स्क्वायर नीचे चला जाएगा और थ्री बाई एट हो जाएगा, तो थ्री बाई एट एल क्यूब रो बाई पाई स्क्वायर, दिस इज द आंसर डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी फॉर्म्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर हैज टू आइडेंटिकल बीट्स इनिशियली लोकेटेड एट ए, ये दोनों बीट इनिशियली ए पे थी, ठीक है। द ट्रायंगल इज सेट रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस ए ओ, देन द बीट्स आर रिलीज फ्रॉम देयर साइमल्टेनियसली अलाउड टू स्लाइड डाउन वन अलोंग ए बी एंड अदर अलोंग ए सी। तो क्या किया गया, इसको रोटेशन में सेट कर दिया गया और इन बीट्स को अलाउ किया गया कि वो स्लाइड करें, एक पहली जा रही है ए बी के अलोंग, दूसरी जा रही है ए सी के अलोंग। लेग डक्टिंग फ्रिक्शनल इफेक्ट्स, देखो फ्रिक्शन नहीं है, द क्वांटिटी दैट आर कंजर्वड ऑन बीट्स स्लाइड डाउन आर, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो क्या कंजर्व होगा आपका, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नो एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल टॉर्क, देयरफॉर एल इक्वल टू कांस्टेंट, ऑल्सो नो डब्ल्यू एक्सटर्नल, या कोई भी फोर्स के द्वारा काम नहीं किया गया इस पे, ठीक है, एफ एक्सटर्नल, तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है तो टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, इक्वल टू कांस्टेंट।
तो देखो कि इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी बी इज दी ऑप्शन, ठीक है। सिस्टम पे कोई काम नहीं किया जा रहा बाहर से, ठीक है, फ्रिक्शनल है नहीं, फ्रिक्शन का इफेक्ट है नहीं, तो डेसिपेट भी नहीं होगी, एंड नो फ्रिक्शन, कोई सूडो फोर्स नहीं है सिस्टम पे, ठीक है। तो सारा ही सारा एक्सटर्नल वाला वर्क डन जीरो है, इसलिए टोटल एंगुलर और टोटल एनर्जी आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आप लिख सकते हो। वन क्वार्टर सेक्टर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, द सेक्टर हैज मास एम, इसका मास एम है, ये क्वार्टर है सर्कल का, मतलब इतना पार्ट, ठीक है, और इसका मास एम है, तो अगर इसको एक्सट्रापोलेट कर दें तो टोटल मास 4m हो जाएगा डिस्क का, उसी से हम निकालेंगे इसको, ठीक है। दिस इज मेड टू रोटेट अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्जिया इसके अबाउट निकाल रहा है। तो सपोज करो अगर ये पूरा सर्कल होता, डिस्क होता ये पूरा, तो इसका मास कितना हो जाता, 4m होता, राइट। तो बस उसका मोमेंट ऑफ इनर्जिया कैसे निकलेगा, आई टोटल क्या होगा, 4m आर स्क्वायर बाई 2। आई सेक्टर कितना होगा, 1/4 आई टोटल, तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इज द आंसर। बहुत इतने सिंपल से हो जाता है, ठीक है भाई। पूरे डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, लेकिन एम इसका कितना हो गया, 4m हो गया। अगर एक सेक्टर का मास एम है तो पूरे डिस्क का मास कितना होगा, 4m हो जाएगा। क्वार्टर सेक्टर है मतलब 1/4 सेक्टर, तो पूरे डिस्क का मास 4m हो गया, तो पूरे डिस्क का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो। अब आप आई सेक्टर निकालना, वो 1/4 होगा, तो 1/4 होगा उसका, ठीक है। बाकी सिमेट्री तो है ही, राइट, जितना इसका आई होगा इतना इसका आई होगा, इतना इसका आई होगा तो इतना इसका आई होगा, तो आई तो 1/4 होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अ सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन, रीचेस सम हाइट एंड देन रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग थ्रू आउट दीज मोशंस, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर। तो सबसे पहले केस में कह रहे हैं कि इंक्लाइंड पे ये एक सिलेंडर है, ये ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ने के लिए इसको कुछ ओमेगा दे के छोड़ा जाएगा, तभी तो चढ़ेगा ये। तो इसको ओमेगा हमने ऐसा दिया, इसी तरह देना पड़ेगा तभी ये ऊपर चढ़ेगा, कुछ ओमेगा दे के ही आप छोड़ोगे अप इंक्लाइंड में। अच्छा, एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा इसका। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट की मोशन किधर होने की टेंडेंसी है, इस पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी इधर आ रही है, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। देखो आर ओमेगा भी इसे पीछे ले जाएगा और एम जी साइन थीटा तो नीचे खींच ही रहा है, तो फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा जब ये ऊपर चढ़ रहा होगा, ठीक है। अप द इंक्लाइन में तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब आते हैं दूसरा वाला केस, डाउन द इंक्लाइन प्लेन पे, ये कुछ दूर तक चढ़ा, यहां पर जाके इसका ओमेगा जीरो हो जाएगा, ये फ्रिक्शन इस ओमेगा को कम करता जाएगा, इस पॉइंट पे ये ओमेगा की वैल्यू जीरो हो गई और इसके बाद ये अब डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। अभी भी इसका एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा, और जब इस मोमेंट पे ओमेगा जीरो होगा उस मोमेंट पे फ्रिक्शन भी आपका अब इस पॉइंट का एम जी साइन थीटा नीचे खींचेगा, नीचे खींच रहा होगा इसको, ठीक है। अब क्या करेगा, फ्रिक्शन इसका फर्दर, इसकी स्लिपिंग रोकने के लिए नीचे की तरफ, इस पॉइंट के स्लिप करने की टेंडेंसी आप देखो इधर की तरफ है, ठीक है। स्लिप की टेंडेंसी पिछले वाले केस में भी स्लिप की टेंडेंसी नीचे की तरफ थी, अभी क्या है देखो, इसमें ओमेगा जीरो है, ठीक है, ओमेगा जीरो है, इसलिए अभी कोई आर ओमेगा नहीं है, आर ओमेगा नहीं है, तो एम जी साइन थीटा इसको नीचे स्लिप कराना चाहेगा, एम जी साइन थीटा इसे नीचे स्लिप कराना चाहेगा, ये वाला चीज अभी आप इसको ओमेगा जीरो मान लो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अभी ओमेगा इक्वल टू जीरो मान लो। तो अब इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी पीछे हो गई, तो इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फिर से ऊपर ही लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, तो इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आएगा और वो बाद में इसको रोटेट करा देगा कुछ इस तरह से, ठीक है।
और ये इस तरह रोल करता हुआ नीचे जाएगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर, ठीक है। तो दोनों ही केस में अब द इंक्लाइंड प्लेन लगेगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की देखो स्लिप करने की टेंडेंसी किधर हो रही है और उसके ऑपोजिट आप फ्रिक्शन लगा दो, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये डिस्क है आपका, ठीक है, और टॉर्टोइज इज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म। नाउ द प्लेटफॉर्म इज गिवन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ठीक है। व्हेन द टॉर्टोइज मूव्स अलोंग अ कॉर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये भी देखो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म ओमेगा टी विल वेरी विथ टाइम टी एज। तो बेसिकली आप देखो इस क्वेश्चन में है क्या कि आपको कोई एक्सटर्नल टॉर्क वगैरह नहीं है, नो एक्सटर्नल टॉर्क। जैसे ही ये कंडीशन आया आपको एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर देना है, ठीक है। अब आई इसमें वेरी होगा क्योंकि पहले टॉर्टोइज आपका यहाँ कहीं बैठा था, अब ये एक कॉर्ड पे चलेगा, ठीक है। कॉर्ड पे चलने का मतलब ये कुछ इस तरह से चल रहा है और यहां जाके पहुंच जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल ओमेगा नॉट इसको जो दिया गया और फाइनल किस तरह वेरी करेगा, देखो फाइनल और इनिशियल पोजीशन में तो आई सेम होगा क्योंकि यहां पर ये मास है और यहां पर मास है तो सेंटर से तो सेम ही डिस्टेंस है, तो इनिशियल और फाइनल आई तो सेम होगा, ठीक है। इनिशियल ओमेगा और फाइनल ओमेगा भी सेम आना चाहिए, तो ये चारों ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ओमेगा इनिशियल फाइनल सेम है, ये तो एक बात हुई। अब मान लिया हमने इनिशियल को आई वन लिख लिया, ब्लू से लिखते हैं, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी भी पॉइंट पे ये फर्ज करिए एक परपेंडिकुलर स्क्वाड पे डी है, इसका रेडियस आर है, तो अगर ये वी से चल रहा है वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टी टाइम बाद ये कहां पर होगा, यहां पर होगा वी टी। सो दिस डिस्टेंस इज वी टी, ठीक। अगर ये वी टी है तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो लेट से दिस इज ओ, दिस इज इनिशियल पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, मैं इसको फिर से बना रहा हूं, ये परपेंडिकुलर था, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ठीक है। O, P, this is Q, this is R. तो हमें बेसिकली ओ क्यू निकालना है एट टाइम टी टॉर्टोइज जो होगा इज एट Q, ठीक है। Q पे पहुंचता है, यहां पर बैठा है, P से चला T टाइम बाद इतना चल गया, तो P Q की वैल्यू हो जाएगी VT, बाई टी टाइम में वी टी चल गया। अब हमें ओ क्यू निकालना है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया डी है, ठीक है, तो ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये कॉर्ड की डिस्टेंस मान लो आप कुछ कॉर्ड लेंथ मान लो कुछ फिक्स है, कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, ठीक है, लेट से इट इज एक्स या 2x मान लो, तो ये पी आर हो जाएगा आपका एक्स, तो दिस इज डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, दिस इज ओ क्यू। आई कैसे निकलेगा,
I निकलेगा आपका, अच्छा सर्कुलर प्लेटफॉर्म का मास दिया है कि नहीं, तो व्हेन द टॉर्टोइस मूव्स अलोंग द कॉर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म विद कांस्टेंट, हम लोग कुछ प्लेटफॉर्म का मास m1 मान लेते हैं, m1 r स्क्वायर बाई 2 प्लस, और टॉर्टोइस का मास m2 मान लो, m2 oq स्क्वायर, ठीक है, तो i की वैल्यू हो जाएगी m1, m1 को पहले लिख लो मास ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, m1 r स्क्वायर बाई 2 प्लस m2 d स्क्वायर प्लस x माइनस vt का स्क्वायर, और d और x कांस्टेंट हैं, d कॉमा x आर कांस्टेंट, ठीक। अब आप देख सकते हो कि i1, I1 क्या होगा, I1 होगा इनिशियल I, इनिशियल I क्या होगा, M1 R स्क्वायर बाई 2 प्लस, इनिशियली तो ये एज पे ही बैठा हुआ है तो M2 R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम I1 ही लिखेंगे, तो I1 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू I दैट इज m1 r स्क्वायर बाई 2 प्लस m2 d स्क्वायर प्लस x माइनस vt का स्क्वायर, ठीक है, दिस टाइम्स ओमेगा t। आप देख सकते हो ओमेगा t इज अ फंक्शन ऑफ t स्क्वायर, ओमेगा t इज अ फंक्शन ऑफ t स्क्वायर, ये चीज यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो पहली बात तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है, अगर लीनियर फंक्शन नहीं है तो ये ऑप्शन क्रॉस आउट हो गया, ये ऑप्शन क्रॉस आउट हो गया। अब बात होती है कि कौन सा फंक्शन है, फिर ये वाला फंक्शन है या ये वाला फंक्शन है, तो इसको हम एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या हो रहा है कि जब ये यहां से एक्सट्रीम एंड से चलना स्टार्ट करेगा तो इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से कम होती चली जाएगी, कब तक, इस पॉइंट तक, कॉर्ड के बीच तक। देखो यहां से ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, पहले ये डिस्टेंस थी, फिर ये डिस्टेंस थी, और फिर मिनिमम हो जाएगी सेंटर पे आके डी, तो यहां तक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कम होता रहेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कम होगा तो आपकी ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आर बोले हैं, तो लेट्स से दिस इज आर, दिस इज पी और दिस इज एस, तो फ्रॉम पी टू आर, फ्रॉम पी टू आर आई आपका कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, सिंस आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बट फ्रॉम आर टू एस आई अगेन बढ़ेगा तो ओमेगा आपका कम होगा, ठीक है। तो अब देख लो ओमेगा का पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो पहले बढ़ना फिर घटना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो पूरा आपको नीड नॉट, यू नीड नॉट टू सॉल्व, बट ये सॉल्विंग इसलिए दिखाने के लिए किया कि ये लीनियर फंक्शन नहीं है, तो ये और ये ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कंसीडर अ बॉडी शोन इन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास एम कनेक्टेड बाय अ लॉट रिजिड रॉड, ठीक है, एक लाइट रॉड है इसका, एम इक्वल टू जीरो बोल दो, फिर इसको एक इंपल्स दिया जाता है, लीनियर इंपल्स इज एम वी, वॉट वुड बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की। तो आप क्या करो, सिस्टम का सारे इक्वेशन पहले लिखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंपल्स, लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक, ये पहली इक्वेशन हम लोग लिखते थे। मान लिया इसके इंपल्स के बाद, क्योंकि मासलेस रॉड है तो इसका सेंटर दोनों तरफ m है, तो वी सी एम कुछ सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे ही होगा, तो मान लिया इसका वी सी एम आगे हो गया और सिस्टम ओमेगा से रचने लगा, ओमेगा फाइनल, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे, J इज इक्वल टू डेल्टा P, मतलब कि एम वी इज इक्वल टू एम वी सी एम माइनस जीरो, इनिशियली रेस्ट पे था सिस्टम, तो वी सी एम की वैल्यू तो V हो गई यहां से, सॉरी सॉरी आई बेग योर पार्डन, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 2m, राइट, 2m वी सी एम, सेंटर ऑफ मास का
m सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2m होगा, राइट, क्योंकि ये मास m और ये मास m, टोटल 2m vcm, तो vcm हो जाएगा v बाई 2। ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन बन गई, दिस इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। अब एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी है, अब एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम इंपार्ट हुआ, दैट इज एम वी इंटू एल बाई टू, एम वी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू, अब ये इसका लिख लो आई ओमेगा, ठीक है। आई कितना होगा, आई होगा देखो दोनों का मास एम है और दोनों एल बाई टू के डिस्टेंस पे हैं, आई सिस्टम हो जाएगा एम एल बाई टू का स्क्वायर प्लस एम एल बाई टू का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई टू, एम वी एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई टू ओमेगा, तो यहां से आपका ओमेगा आ जाएगा, कितना बच रहा है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स वी बाई एल, तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो यहीं से आ जाएगा एक लाइन में, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से दैट इज वी बाई एल। बट हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम लोग इसकी सारी चीजें निकालेंगे, मतलब कि ये रॉड थी, अब ये ऐसे कुछ है कि इसका वी सी एम दैट इज वी बाई टू और इसका ओमेगा दैट इज वी बाई एल। इस वाले मास की फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग वी वन बोलें और इसकी वी टू बोलें, तो वी वन वी टू निकालने को अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो वी वन विल बी आर ओमेगा प्लस वी सी एम, तो दिस इज वी बाई टू प्लस वी बाई एल इंटू एल बाई टू, सो दिस इज वी, तो वी वन की वैल्यू वी हो गई। अब वी टू कैसे निकलेगा, v2 इज इक्वल टू, देखो इसमें r ओमेगा नीचे होगा, vcm ऊपर होगा, तो vcm vcm ऊपर आएगा, r ओमेगा नीचे आएगा, प्लस सॉरी माइनस माइनस l by 2 इंटू ओमेगा, तो दिस इज v by 2 माइनस l by 2 इंटू v by l, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इफेक्टिवली जस्ट आफ्टर कोलिजन या जस्ट आफ्टर मोमेंटम के इम्पार्ट होने का वी टू आपका जीरो आ जाता है, ठीक है, और वी वन की वैल्यू वी आ जाती है, ये सब क्वेश्चन में अगर पूछता है तो, ठीक है। अ पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट विच पॉइंट ऑन प्लेन ऑफ सर्कल विथ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व होगा, जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होता है तो वो सेंटर के अबाउट ही जीरो होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कही है, ठीक है, तो वो तो सेंटर के अबाउट ही जीरो होगा, तो सेंटर ऑफ द सर्किल आएगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, a man sitting at the center having two blocks in his hands stretches out his hands so that moment of inertia of system doubles, to i2 ho gaya 2i1, if kinetic energy of the system is k initially final kinetic energy, again aapka l conserve hoga, to i1 omega 1 is equal to i2 omega 2 kar do, theek hai, to i1 kya hoga, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2I1 ओमेगा 2, तो यहां से निकल रहा है कि ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाई 2, ठीक। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो K2 जो हमें निकालना है दैट इज हाफ 2I1 ओमेगा 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू दिस इज वन बाई टू इंटू आई वन ओमेगा वन स्क्वायर, दिस इज टू एंड दिस इज फोर, तो वन बाई टू, तो वन बाई टू इंटू के वन हो गया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ हो जाएगी, दिस इज के बाई टू।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. अब आगे हम लोग अपना पार्ट टू में कंटिन्यू करेंगे. तब तक टेक केयर, बाय बाय.